नमस्कार साथियों, एक बार स्वागत है आपके अपने टूजन एमपी इलेक्शन में। जी हां साथियों, मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सरकार इस बार युवाओं को बनाएगी अपना वोटर्स। जी हां साथियों, इन सभी खबरों को जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार इस बार युवाओं को लुभाने जा रही है और चुनाव जीतने के लिए युवाओं को अपनी प्रथम सीढ़ी मान रही है। हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 49% युवाओं के 23 लाख यंग वोटर्स हैं, यानी कि इस बार चुनाव में युवा ही हर जीत की दिशा तय करेगी। जी हां साथियों, यह बात सभी सियासी दल बाखूबी समझ रहे हैं, इसलिए हर सियासी दल युवाओं को लुभाने में जुटा हुआ है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस भी युवाओं को साधने में जुट गई है और 2023 में एमपी विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं।